भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर बुराड़ी क्षेत्र में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में क्षेत्र के समाजसेवी, राजनेता, धर्माचार्य, पत्रकार, पार्षद, पूर्व पार्षद आदि शामिल हुए और सभी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को याद किया। इसका आयोजन पिंकी चौधरी फॉर्म कमालपुर में किया गया। विचार गोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली के उत्तरी जिला ने किया, जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी निगम पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक, अन्य गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, सभी को यहाँ पर बुलाया गया। सभी ने अपने अपने विचार रखे चौधरी साहब के विषय में, सभी ने अपनी अपनी जानकारियां दी और इसके आयोजक ऑल इंडिया जाट महासभा उत्तरी दिल्ली थी। तो चौधरी साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा उतना ही कम है। एक ऐसे नेता थे जो एक गरीब परिवार से जन्मे हुए और एक उच्च पद पर पहुंचे, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे और प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए उससे पहले भी गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अनेक विभाग उनके पास ऐसे रहे। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज बहुत दिन बाद, बहुत ये के बाद ये भारत रत्न हमें मिला, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय तो है ही, लेकिन चिंता का विषय है इतने दिनों तक लंबित क्यों रहा। और मैं आपको बता दूं कि चौधरी शरण सिंह जैसे महापुरुष इस देश में, इस धरती पर बहुत कम ही पैदा लेते हैं, बहुत कम ये लेते हैं जो जीवन भर संघर्ष किसानों के लिए, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले ऐसे व्यक्ति आज के दिन में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं दिल्ली जाट महासभा का जो पहला पुण्यतिथि पर भारत रत्न देने के उपलक्ष में कार्यक्रम किया गया, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसका एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। आज का ये प्रोग्राम अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा आयोजित था, जिसमें सभी धर्म जाति के लोगों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं वो सभी आए और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे और जो देश में किसान, मसीहा, मजदूरों, वंचितों, शोषितों के हकों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और देश के विभिन्न पदों पर प्रधानमंत्री से लगाकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सभी पदों पर रहे और उन्होंने जिस तरह के काम देश में किए हैं, जो उन्होंने ईमानदारी की मिसाल देश में पेश की, उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो उनको भारत रत्न देने का फैसला किया है, तो भारत रत्न मिलने के बाद उनके समर्थकों में पूरे देश में बहुत भारी खुशी का माहौल है। और अभी क्योंकि इसी महीने उनकी अभी पीछे 29 मई को पुण्यतिथि थी, तो अभी पुण्यतिथि के अवसर पर और ये भारत रत्न की खुशी में ये आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की।